बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वक्त खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसीम मुख्तार। पेश है खबरों की तफसील। वादी में एहतजाजी मुजाहिरों का न थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है। वादी के अतराफ अकनाफ में बरसती बारिश और सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने कर्फ्यू के धज्जियां उड़ाते हुए बादल नमाज जुम्मा एहतजाजी मुजाहिरों को सिलसिला जारी रखा। अगरचे अक्सर मुजाहरे पुरम रहे, तहम चंद एक मकाम पर मुजाहिरों को काबू में करने के लिए फोर्सेज के एहलकारों को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। संगम बिजबिहाड़ा वारपुरा सोपोर में फोर्सेज की फायरिंग की वजह से कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। CNS के मुताबिक वादी के अतराफ अकनाफ में बरसती बारिश और सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद बादज नमाज जुमा एहतजाजी जुलूस निकाले और इंसानी हकूक की पामालियों वादी में पेश आ रही इंसानी हलाकतों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहरी श्रीनगर के बाला इलाकों व शहर खास में सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरे किए। इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कई मकाम पर लोगों ने पुतले नजर आतिश किए। इधर बटमालू, कमरबारी, पारिमपोरा, लावेपोरा, बर्थना, बेमिना, रामबाग, नटीपोरा, छानपोरा, बाग महताब, बर्षा नगर, नायकबाग, इखराजपोरा, बरजुला, हैदरपोरा, रावलपोरा, पीरबाग और दीगर इलाकों में नमाज जुमा के फौरन बाद लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। सरायबाला, दांदरखा, बटामालू, नुंद्रेश कॉलोनी, बेमिना और शालटेन में पुलिस के एहलकारों ने मुजाहरे को खुली छोड़ दी, जिसकी वजह से जुलूस में शामिल मुजाहरीन एहतजाज करके पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। नटीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर अब्दुलरहमान गनाई ने हजारों लोगों की मौजूदगी में नमाज जुमा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफी होने का ऐलान करते हुए रवान जद्दोजहद का साथ देने का अजम किया। इस मौके पर नौजवानों ने इस्लाम के हक में फलकशिदा नारे बुलंद किए। इस दौरान डांगरपोरा ईदगाह में गुज़श्ता दिनों जाम बैठे अनीस अहमद गनाई के रस्मी चाहरुम के मौके पर लोगों ने पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी तरह गगर मस्जिद चमरदोरी में जमीयत अहलेदीस के एहतमाम से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। पाइन शहर के कई इलाकों में बादी नमाज जुमा जुलूस निकाले गए और वो पुरअमन रहे और किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाकई की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। CNS के मुताबिक अगरचे शहरी श्रीनगर में आज हालात पुरअमन रहे, ताहम कई मकाम पर फोर्स एहलकारों ने घरों में घुसकर मकीनों की मारपीट के अलावा उनके मकानों के शीशे चकनाचूर कर दिए। नूरबाग, छानापोरा, बटामालू, कमरवारी, नटीपोरा के लोगों ने फोर्सेज पर इल्जाम आयद किया कि वो बिलाजवाज घरों में घुसकर मकीनों को जदको करने के अलावा और उनके मकानों पर पथराव करते हैं। इधर ईदगाह सदपोरा, जुनीमर, अलीजा रोड के लोगों ने बताया कि इन इलाकों में फोर्स एहलकारों ने लोगों को किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान जामिया मस्जिद श्रीनगर में सख्त तरीन कर्फ्यू के बायस नमाज जुमा अदा नहीं की गई। इधर बाबा दाऊद खाकी के ब्रिज के मुतसिल बगदाद कॉलोनी के लोगों ने फोर्स पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनको उस वक्त एहतियात का निशाना बनाया जब श्रीनगर के सदर अस्पताल में जख्मी शुदा नौजवानों के खाने पीने अशियाए ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि CRPF के अधिकारियों ने उनसे खाने पीने की अशिया छीन कर उनको जबरदस्त जलगोब किया और सदर अस्पताल के अहाते में दाखिल नहीं होने दिया। CNS के मुताबिक अगर शहर श्रीनगर में हालात कदर पर अमन रहे, ताहम वादी कश्मीर में के कई मकाम पर बाद नमाज जुमा मुजाहिरों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और फोर्स एहलकारों को टियर गैस शेलिंग और फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिससे कई अफराद जख्मी हुए। वारपोरा सोपोर में बाद नमाज जुमा हजारों की तादाद में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर नौजवानों ने जुलूस की सूरत में जब आगे की तरफ पेशकदमी की तो पुलिस फोर्स के एहलकारों ने उनके आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर नौजवान मुश्तैल हुए, उन्होंने फोर्स और पुलिस एहलकारों पर जबरदस्त संगबारी की। मुजाहिरों को काबू में करने के लिए फोर्स ने अश्कावर गैस के दर्जनों गोले दागे, इसके बावजूद भी नौजवानों ने संगबारी का सिलसिला जारी रखा। मुजाहिरों को काबू में करने के लिए फोर्स ने उन पर जबरदस्त फायरिंग की, जिसकी वजह से मंडी सोपोर का एक 24 साल नौजवान रमीज अहमद ऋषि खून में लथपथ वही होकर गिर पड़ा, जिसे फौरन श्रीनगर के अस्पताल से मुंतकिल किया गया, जिस पर उसकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। फायरिंग के वाकई में 7 नौजवानों के जख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। इधर डांगरपोरा सोपोर में आज 30,000 के करीब लोगों पर मुश्तमिल एक जुलूस निकाला गया, जो बाद में पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। वाजह है डांगरपोरा सोपोर में कई सियासी लीडरों के रिहायश मकान मौजूद है और इस वजह से किसी भी इम्कानी गड़बड़ को रोकने के लिए वहां पर सिक्योरिटी के कड़ी इंतजाम किए गए थे। हर्षो चाडोरा से एक जुलूस निकाला गया और जो ही ये जुलूस रोपोरा की तरफ पेशकदमी करने लगा तो पुलिस और फोर्स के अहलकारों ने जुलूस में मौजूद मुजाहिरों पर अंधाधुंध टियर गैस शेलिंग की, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। दरियासना, संगम, बिजबिहाड़ा में भी मुजाहिरों को काबू में करने के लिए फोर्स और पुलिस के अहलकारों को टियर गैस शेलिंग और फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, ताहम इस दौरान किसी भी शख्स के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इस दौरान कुलगाम के खड़गनी
تاڑیغام اور فصلیاری پورہ میں حالیہ علاقوں کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. وادی میں احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے مرکز کی طرف سے ریپڈ ایکشن فورس کے جوان کو وادی میں تعینات کرنے کے اعلان کے بعد ہی جہاں اس فورس کی کئی کمپنی وادی میں وارد ہوئی, تاہم آج پہلی بار ریپڈ ایکشن فورس کو سری نگر کی سڑکوں پر اپنی خصوصی پوشاک میں گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا. ریپڈ ایکشن فورس کے نوجوان شہر خاص کے کئی علاقوں میں آج صبح سے سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے دیکھے گئے اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے. اگرچہ ابھی بھی انہیں کئی احتجاجی مظاہروں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سری نگر میں سخت ترین کرفیو کے دوران آج کئی جگہوں سے لوگوں نے شکایت کی کہ انہیں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کرفیو چینل کو کئی علاقوں کے لوگوں نے فون پر بتایا کہ انہیں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں نماز پڑھنے سے روکا گیا. سعودپورہ, عیدگاہ, زونیمر اور علی جان روڈ کے لوگوں نے بھی شکایت کی کہ انہیں نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا گیا. فورسز کی اس کاروائی کو انہوں نے مداخلت فی الدین قرار دیا ہے. اب آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا. اس سلسلے میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر پورا ہندوستان مجھے جاگیر میں دیا جائے تب بھی شہدا کے مقدس خون کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. کے این ایس کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے آج پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کے دوران سید علی شاہ گیلانی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کی حالیہ اپیل اگر ان کے موقف میں تبدیلی کا عکاس ہے تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں سید علی شاہ گیلانی نے آج کے ایمس کو بتایا کہ اس طرح کے بیانات صرف اور صرف انتشار اور غلط فہمی پیدا کرنے کی سازش ہیں اور یہ پالیسی شاطرانہ پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیری قیادت کو عوام میں بدظن کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں سختی کے ساتھ پی چدمبرم کے بیان کو مسترد کرتا ہوں اور یہ بات صاف کر دیتا ہوں کہ سید علی شاہ گیلانی کے موقف کی کشمیر کے حوالے سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں نہ بدلاؤ اور نہ ہی مستقبل میں بدل سکتا ہوں, چاہے بھارت ہی جاگیر کے طور پر مجھے کیوں نہ دی جائے, پھر بھی شہدا کے مقدس خون کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر داخلہ کا یہ بیان اصل میں ایک سازش ہے اور یہ شاطرانہ سازش ہے, ہر سطح پر ناکام بنا دی جائے گی. سید علی شاہ گیلانی نے کہا کہ عوام کو اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے. نوجوانوں سے ایک مرتبہ پھر پرامن جدوجہد جاری رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے سید علی شاہ گیلانی نے کہا کہ گھیراؤ اور جلاؤ ہماری تحریک کا حصہ نہیں, اور جو لوگ پرتشدد کاروائیں انجام دے رہے ہیں وہ تحریک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ایسا کر کے بھارت بین الاقوامی سطح پر ہماری مبنی برحق تحریک کو غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں. تاہم سید علی شاہ گیلانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ میرے بنیادی موقف میں تبدیلی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ میرا موقف میرا ایمان ہے اور میں اپنے موقف پر چٹان کی طرح قائم ہوں. تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہی مضمر قرار دیتے ہوئے حریت چیئرمین نے بھارت کو مشورہ دیا کہ وہ ہردرمی کا راستہ ترک کرتے ہوئے مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں.